नमस्ते दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग एमएस वर्ड 2007 में शेप्स पर कैसे वर्क करते हैं सीखेंगे। देखिए, एमएस वर्ड ओपन कर लिया है मैंने। यहां पे हम शेप्स में चले गए और कोई शेप सेलेक्ट करके और उसको क्लिक करके ड्रैग करेंगे अपने वर्क एरिया में, शेप बन जाएगा। देखिए, शेप बनते ही वहाँ ऊपर एक फॉर्मेट का टैब ओपन होके आ जाएगा। उस शेप पे फॉर्मेटिंग करने के लिए वो टैब होता है। जैसे आप अगर शेप सेलेक्ट होगा तभी वो आएगा, शेप से बाहर रहिएगा तो वो नहीं दिखाई देगा। ठीक है, शेप करने के बाद अगर हम चाहते हैं कि शेप कोई और शेप फिर से लें, तो देखिए यहाँ फॉर्मेट टैब से ही दूसरा शेप सेलेक्ट करके हम उसको ड्रैग करके क्रिएट कर सकते हैं। इसी शेप का अगर स्टाइल बदलना है तो इस शेप को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है चेंज शेप। तो चेंज शेप ऑप्शन में जाके आप जो भी शेप सेलेक्ट करेंगे वो शेप का जो सिलेक्टेड शेप होगा वो ऐसा चेंज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जिस तरीके का भी देखिए, ये राउंड करना चाहता हूँ राउंड हो सकता है। ठीक है, और भी है कोई दूसरा स्टाइल आप चाहते हैं ऐसा करना, तो देखिए ऐसे भी चेंज हो जाएगा। जो शेप सेलेक्ट रहेगा उसका शेप चेंज हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से आप कोई भी शेप यहाँ चेंज कर सकते हैं। उस शेप को अगर कोई स्टाइल देना चाहते हैं आप, ठीक है ना, जो भी शेप आपने बनाया है उसको चाहते हैं कोई स्टाइल देना है, तो स्टाइल शेप स्टाइल में जाके और आप यहाँ मोर बटन पर क्लिक करिए। ये बहुत सारा स्टाइल जो भी स्टाइल आप सेलेक्ट करिएगा वो स्टाइल आपके शेप पे अप्लाई हो जाएगा। कोई कलर फील करना चाहते हैं वैसा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने शेप पर कलर्स ये सब अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आप देखिए ये और भी ग्रेडियंट्स टाइप का स्टाइल है, इन सबों को भी 3D स्टाइल है, शैडो स्टाइल है, ये सब स्टाइलिंग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कलर जो ये हम लोग ग्रेडियंट कलर सेलेक्ट कर रहे हैं तो इस शेप पे अप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए हमें इसका एक स्क्वायर शेप चेंज करेंगे। देखिए स्क्वायर शेप चेंज किया तो वो वाला कलर इस पर अप्लाई हो गया है ना, तो वो स्टार शेप पे नहीं अप्लाई हो पा रहा है क्योंकि उसमें छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं, इसके वजह से वो स्टार शेप पे अप्लाई नहीं हो पाता है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्क्वायर शेप पे कर लेंगे इसको अप्लाई। चाहते हैं कि इसका ये 3D ऑप्शन आ रहा है जो शेप का वो चेंज करे, तो यहाँ से हम लोग शेप इफेक्ट में जाके ये इसका ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। जो भी इफेक्ट आपको सुंदर लगे वैसा आप अप्लाई कर सकते हैं, सेलेक्ट करेंगे वैसा हो जाएगा। 3D हटाना है तो यहाँ देखिए इसमें एक और बीच वाला जो बटन है उस पर क्लिक कर देंगे तो हट जाएगा। ठीक है, 3D हट गया, देखिए नॉर्मल हो गया शेप। ऐसे ही हम शेप्स के ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं। और कोई शेप अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे शेप का पोजीशन सेट करें, तो शेप का पोजीशन हम कैसे, यहाँ पोजीशंस में जाके और यहाँ से हम शेप का पोजीशन सेट कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में देखिए, ये नीचे लेफ्ट साइड में आ गया है, बॉटम साइड में, ठीक है ना। ऐसे ही सेंटर है, टॉप है, बहुत सारे हैं, तो ये आप सेलेक्ट कर लेंगे, ये आपका शेप वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से एक देखिए एक और शेप हम बनाते हैं जो शेप इसके ऊपर ओवरलैप कर रहा हो। आप इंसर्ट से भी जाके कर सकते हैं और फॉर्मेट से भी जाके कर सकते हैं। एक मैन ने यहाँ शेप बनाया जो इसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, तो देखिए अब ओवरलैप कर रहा है जो शेप, अब हम चाहते हैं कि इसको हम उसके पीछे भेज दें। जैसे देखिए ऊपर आ रहा है ये, इसको बैक साइड ऑफ स्क्वायर शेप के पीछे की तरफ चला जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस शेप को सिलेक्ट कर लेंगे। शेप को सिलेक्ट करने के बाद देखिए फॉर्मेट टैब में जो आ रहा है, फॉर्मेट टैब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सेंड टू बैक अरेंज एरिया में आ रहा है ना, सेंड टू ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक दो ऑप्शन आ रहा है। तो इसको हमें जो सिलेक्टेड है इसको हमें अगर पीछे भेजना है तो वहाँ से हम लोग सेंड टू बैक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। देखिए मैंने किया लेकिन ये हुआ नहीं, हो नहीं रहा है, पीछे नहीं जा रहा है। तो इसका रीज़न क्या है कि ये जो शेप हमने स्क्वायर में किया था ना उसको हमने वो वाला पोजीशन कर दिया था। इसका हम फिर से वापस पोजीशन सेट कर देंगे मिडिल वाला। अब ये शेप सेलेक्ट है, देखिए ये फ्रंट पे आ गया है। अब ये जो मैंने कर दिया था देखिए ना, ये इन लाइन विथ टेक्स्ट ये ऑप्शन, ये यहाँ पे लेफ्ट या राइट सेंटर कोई और पोजीशन इसको रख लीजिए। अब इस शेप को इसके ऊपर देखिए वो बैक में
चला गया है। एक बार और हम आपको दिखा देते हैं, इसको यहाँ इस पर ओवरलैप कर देते हैं और इसको पीछे भेज दिया। देखिए सेंड ब्रिंग टू फ्रंट आ गया ना, सेंड टू बैक चला गया। तो ऐसे हम शेप्स को एक दूसरे के पीछे या आगे मूव कर सकते हैं, ठीक है, ये ब्रिंग टू फ्रंट या सेंड टू बैक। अब देखिए दोनों शेप को अगर हम कहीं मूव कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक एक करके मूव हो रहा है। हम चाहते हैं कि नहीं दोनों एक साथ मूव हो, तो इसका एक बहुत अच्छा फीचर है ग्रुप करने का, शेप्स को ग्रुप करने का, ठीक है ना। तो क्या करेंगे इसके लिए कि हम एक शेप को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद एक को सिलेक्ट करते हैं दूसरा हट रहा है, देख रहे हैं, दोनों को एक साथ सिलेक्ट अगर करना है तो हम क्या करेंगे, एक शेप को पहले सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद कंट्रोल बटन जो है कीबोर्ड का कंट्रोल बटन उसको दबा के रखेंगे और फिर दूसरे शेप पे जाके क्लिक करेंगे। देखिएगा माउस के साथ एक छोटा सा प्लस का निशान बनता है, तो जब दूसरे पे क्लिक करेंगे ना तो दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, दोनों शेप सिलेक्ट हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, शेप जो सिलेक्ट हुआ है उसी पे क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ ऑप्शन आता है ग्रुपिंग का, देखिए आ रहा है चौथे नंबर पे ऑप्शन ग्रुपिंग। अब ग्रुपिंग में फिर एक सब मेनू ओपन होता है, उसमें जाके ग्रुप पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम ग्रुप पे क्लिक करेंगे अब ये दोनों शेप हमारा एक साथ ग्रुप हो गया है। देखिए सर दोनों शेप का जो अब दोनों को खींच रहे हैं, तो दोनों शेप किसी को भी खींचिए, दोनों शेप एक साथ मूव आउट हो रहा है, वो अपने लोकेशन से हट रहा है, इधर उधर जा रहा है। तो इस तरीके से हम शेप को ग्रुप कर सकते हैं और शेप कभी भी हटेगा नहीं, दोनों एक साथ ही मूव होता रहेगा, ठीक है ना। फिर से आप दोबारा इसका ग्रुपिंग हटाना चाहते हैं, अनग्रुप करना चाहते हैं, तो इसी पे राइट क्लिक करिए, ग्रुपिंग में जाइए और अनग्रुप ऑप्शन आने लगेगा, अनग्रुप कर दीजिए। देखिए ग्रुपिंग हट गया, दोनों अलग अलग सिलेक्ट हो गया। बाहर क्लिक करके आप, अभी दोनों सिलेक्ट है इसलिए मूव हो रहा है, तो आप बाहर एक बार क्लिक कर लीजिए, सिलेक्शन हट जाए, सिंगल को सिलेक्ट करिए और ड्रैग करिए। देखिए अब एक एक हटना शुरू हो गया, तो अनग्रुप अगर हो जाएगा तो ये आपका शेप, फिर से आप शेप डायरेक्शंस वगैरह जो भी करना चाहते हैं, अगर दूसरे लोकेशन पे डायरेक्शन करना चाहते हैं तो अब उनका डायरेक्शन सेलेक्ट करके उनका साइज इंक्रीज करके और इसको आप अपने सिस्टम में चेंज कर सकते हैं, शेप्स के को डायरेक्शंस बदल सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि फिर से आप रीग्रुप करें तो किसी भी शेप को सेलेक्ट कर लीजिए, ग्रुपिंग में जाइए और रीग्रुप पर क्लिक करिए, तो आपका दोनों शेप फिर से वापस ग्रुप हो जाएगा। आप में को इसमें अलग अलग फिर से सेलेक्ट करने का ज़रूरत नहीं है कंट्रोल दबा के, ठीक है। तो इस तरीके से आप शेप को फिर से रीग्रुप कर सकते हैं। जब ग्रुप होता है और आप साइज बड़ा करते हैं तो दोनों शेप का साइज चेंज होगा। छोटा करिएगा तो दोनों का छोटा होगा, बड़ा कीजिएगा तो दोनों का ही साइज बड़ा होगा। चलिए एक और शेप बनाते हैं, इंसर्ट में चले जाते हैं, शेप में चले जाते हैं और एक रेक्टेंगुलर शेप ले लेते हैं ऊपर से और इसी को ड्रैग करते हैं और देखते हैं कि शॉर्टकट तरीके से हम कैसे इसको कॉपी कर लेंगे, एक शेप का दूसरा कॉपी। तो शेप सेलेक्ट जब हो ना, देखिए यहाँ बन गया कॉपी, क्या करेंगे यहाँ पे हम शेप सेलेक्ट करके रखेंगे और कंट्रोल दबाते हुए माउस से खींचेंगे तो उसका एक दूसरा कॉपी क्रिएट हो जाए।